Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास टेक्नो का स्पार्क 10 प्रो है तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस फोन की कैमरा सेटिंग के बारे में, जिसका यूज करके आप अपने फोन की कैमरे क्वालिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी करनी है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। जितने भी कैमरे के अंदर फीचर दिए गए हैं, किस तरह से किस फीचर का यूज करना है, उन सभी के बारे में डिटेल्स के अंदर इस वीडियो में आप जानने वाले हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, कैमरे एप्स के ऊपर आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। यहाँ ऐप इन्फो पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आने के बाद स्टोरेज एंड चेज पर क्लिक करके आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्लियर स्टोरेज, इस पर क्लिक कीजिए एंड ओके कर लीजिए। अब कैमरा एप्स को कीजिए ओपन। इसका इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करना है, स्क्रीन एरिया आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। इसको फुल करने के लिए यहाँ इस पर क्लिक कीजिए और फुल पर सेलेक्ट करके रखिए। अब आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से फुल एरिया में आ जाता है। अब फुल स्क्रीन में आपका एरिया आ जाएगा। इसके लिए अब हम आपको सेटिंग बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस तरह से हम सेटिंग कर पाएंगे। यहाँ पे अभी आप देखोगे कि नॉर्मल फोटो आप ले पा रहे हो। यहाँ पे AI आपका ऑन है तो आपका जो क्वालिटी रहेगी एकदम पहले से ही इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पे आप फिल्टर का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप इसकी क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो तो यहाँ इस फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप अलग अलग फिल्टर का यूज करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीछे जो बैकग्राउंड है फोटो का वो काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो जिस क्वालिटी में जिस जो भी फिल्टर आपको लगाया हुआ है, जिस फिल्टर में ज्यादा अच्छा फोटो आपको देखने को मिले, उसी फिल्टर को सेलेक्ट करके रखिए और फोटो क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे नॉर्मल फोटो से अगर आप फिल्टर का यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको जो फिल्टर लगा के यूज किया होगा फोटो, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये आप सेलेक्ट करके रख सकते हो। यहाँ पे आपको और भी फीचर मिल जाते हैं। जैसे कि फोटो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी वाटर मार्क वगैरह देखने को नहीं मिलता। आप यहाँ पे वाटर मार्क को ऑन कर सकते हो, दिखा सकते हो किस फोन से ये फोटो खींचा हुआ है। तो उसको सेटिंग करने के लिए सेटिंग आइकन पर पहले क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है कस्टमाइजेशन वाटर मार्क। इसको क्लिक कीजिए। टाइम एंड डेट को शो करा सकते हैं, सिटी का नाम शो करा सकते हैं, यानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रांड का नेम, मतलब ब्रांड का नेम शो करा सकते हैं और यहाँ पे अपने हिसाब से कोई और भी टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए अपना नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रीनेम कर देंगे। अब फोटो के अंदर यही नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे किसी वाटर मार्क वगैरह को आप लगाना चाहते हो तो फोटो पे आप लगा सकते हो। अब फोटो को देखोगे तो यहाँ पे आपको ये फोटो का नाम, किस समय खिंचा हुआ, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये सेलेक्ट करके रख सकते हो। यहाँ पे ये तो आप नॉर्मल सेटिंग कर पाओगे। इस फोन के अंदर अगर आपको वीडियो ब्यूटी मोड, मतलब अगर कभी आप ये चाहते हो कि जब भी फोटो क्लिक करें तो ब्यूटी फोटो आपका ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पे ब्यूटी पिक्चर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ फोटो क्लिक करना है कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको कुछ और भी फीचर मिल जाएंगे। यहाँ पे फेस को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसके आपकी बॉडी किस टाइप शेप की है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर फेस को आप स्मॉल करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। चेस्ट एंड चेस्ट वगैरह ये सब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। नोज वगैरह ये सब आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके रख सकते हो। ये काफी अच्छा फीचर मिल जाता है। तो अगर बॉडी वगैरह आपका भी फोटो, मतलब फुल बॉडी फोटो क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से आप कस्टमाइज करके रख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको अलग अलग फिल्टर ये भी मिल जाएंगे, कितनी स्मूथ रहना चाहिए, कितना आपका किस तरह का वो रहना चाहिए, स्किन का कलर आप डार्क कर सकते हो, ये सब फीचर मिल जाएंगे। आइस को बड़ा कर सकते हो, ये सभी को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रख सकते हो। जो ये जो मूड है ये आपको ब्यूटी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगर आप पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करना चाहते हो तो पोर्ट्रेट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप ब्लर फोटो को ले पाओगे। ब्लर फोटो लेने के लिए सिंपल आपको क्लिक करना है, ब्लर फोटो आ जाएगा। अगर कभी भी इस फोन से आपको नाइट में फोटो क्लिक करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, सुपर नाइट का जो फीचर देखने को मिलता है उस पर आपको क्लिक करना है। अब आप फोटो क्लिक कीजिए तो नाइट में अगर फोटो कभी भी आपने क्लिक किया होगा सुपर नाइट फोटो को ऑन करके, तो फोटो रहेगी उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ भाई दिन में फोटो खींचा हुआ है और क्वालिटी काफी अच्छी यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे नाइट मोड का आपको इस तरह से यूज करना रहेगा। इसमें भी आप फिल्टर का यूज कर सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया था किस तरह से फिल्टर यूज करना है, तो ये अपने हिसाब से सेलेक्ट करके रख सकते हो। इस फोन में आपको AI कैम का फीचर दिया गया है। AI कैम को जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको AI काफी अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, जिसका आप यूज कर सकते हो। आपके फेस पर कोई AI वगैरह लगाना, मतलब कोई स्टिकर वगैरह लगाना है तो आप उसको आप बना के लगा सकते हो। एंड वीडियो को रिकॉर्ड कराने के वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे HDR का सपोर्ट आपको मिल जाता है। वीडियो के अंदर HDR ऑन कर लीजिए। अब आपका जो वीडियो रिकॉर्ड होगा वो HDR में रिकॉर्ड होगा। ये ऑन करके रखेंगे तो आपकी वीडियो क्वालिटी है काफी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करके रखना है तो करके रख सकते हो। यानी इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ब्यूटी मोड को ऑन करके रख सकते हो। जब कभी वीडियो रिकॉर्ड करें किसी फेस आएगा तो वो फेस एकदम ब्यूटी मोड में ऑन हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितनी FPS की किस क्वालिटी में स्क्रीन को रिकॉर्ड, मतलब वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन आएंगे। 2K तक इस फोन के अंदर आप वीडियो को रिकॉर्ड करा सकते हो, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये काफी अच्छा है। यानी यहाँ पे फिल्म का एक अलग से ऑप्शन दिया गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग तरह की वीडियो को रिकॉर्ड करा सकते हो। जब यहाँ वीडियो पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक और फीचर आपको मिल जाता है, जो कि रहेगा ब्लर वीडियो।
मतलब आप ब्लर वीडियो भी इस फोन के अंदर रिकॉर्ड करा सकते हैं, जो कि काफी अच्छा फीचर है, जिसके लिए आप इस फीचर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर कितना ज्यादा ब्रोकन रखना चाहते हैं ब्लर वीडियो के लिए, वो आप सेलेक्ट करके रख सकते हो। तो मुझे काफी अच्छा फीचर लगा ये वाला, क्योंकि इस फोन के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ब्लर वीडियो का रिकॉर्ड जो ऑप्शन रहता है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको और भी ऐसे फीचर मिल जाते हैं, तो इस तरह से आप करेंगे तो फिल्म का जो ऑप्शन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो डायरेक्ट मिल जाता है, वीडियो को मिल जाता है, सुपर नाइट का फीचर मिल जाता है। एआर सूट देखने को मिलेगा, एआर सूट में क्या होगा, आपको अलग अलग इमोजी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपका फेस ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप अलग अलग इमोजी को लगा सकते हो या इस इमोजी को सेलेक्ट कर सकते हो, तो बहुत सारी इमोजी आपको देखने को मिल जाएंगी। किस इमोजी में से आप अपने फेस को यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो सेलेक्ट करके रखिए। अब जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने फेस को लगा सकते हैं, इमोजी आपको काफी अच्छी अच्छी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जो भी इमोजी आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट करके रखिए, आपकी इमोजी इस तरह से आपको सेलेक्ट करके देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे आपको और भी फीचर मिलेंगे, इस तरह से इसको आप करके रखिए। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पैनोरामा ऑप्शन, सिंपल इस पर क्लिक करके पैनोरामा फोटो क्लिक कर पाओगे। एंड डॉक्यूमेंट्स को डाला, किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आप स्कैन करके फोटो क्लिक करना चाहते हो तो वो सेलेक्ट कर सकते हो। एंड शॉर्ट वीडियो का फीचर दिया गया इस फोन में, शॉर्ट वीडियो को सेलेक्ट करके रखेंगे तो अगर आपको कभी भी शॉर्ट वीडियो वगैरह शॉर्ट करनी है तो यहाँ क्लिक करके बना सकते हो। यहाँ पे आप फिल्टर का यूज कर सकते हो, अलग अलग फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि वीडियो के अंदर आप इफेक्ट को डाल सकते हो। ये डायरेक्टली फीचर आपको मिल जाता है, आपको कोई भी एडिट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड स्लो में वीडियो अगर बनाना चाहते हो इस फोन से, तो आपको स्लो वीडियो पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप स्लो मोशन वीडियो को बना पाओगे। इसका भी क्वालिटी आप चेंज कर सकते हो यहाँ क्लिक करके, तो आपको अलग अलग क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो टेक्नो के अंदर काफी अच्छे फीचर दिए गए जिनका आप यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे फिंगरप्रिंट को टच कराएंगे आपका फोटो क्लिक हो जाएगा, आप इस फीचर को भी चालू कर सकते हो। इसके लिए आप सेटिंग आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नीचे से स्क्रॉल करने पे फिंगरप्रिंट एस ए सूटर। इस फीचर को ऑन करने के बाद फिंगरप्रिंट को टच कराएंगे आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर फोटो को कभी भी क्लिक करना तो आप इस फीचर को ऑन करके इसका यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप जैसे स्क्रीन को टैप करेंगे तो भी आपका फोटो क्लिक हो जाता है, उसके लिए आप टैप यहाँ देखने को मिलेगा टच टू कैप्चर, इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब स्क्रीन को टच कर दीजिए, आपका फोटो इस तरह से भी क्लिक हो जाता है। एंड यहाँ पे एक और फीचर आपको मिल जाएगा, तो चलिए उसको भी ऑन कर लेते हैं। इसको आप क्लिक कीजिए, देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको स्मॉल शॉट। इस फीचर को ऑन करने के बाद क्या होगा, जब भी आपके जो कैमरा रहेगा उसके सामने कोई भी स्माइल करेगा और कैमरा आपको ओपन रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका फोटो कैप्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये भी फीचर फोन के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि अपने हिसाब से आप रख सकते हो। इस फोन में आपको प्रो मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसको यूज करने के लिए सिंपल आपको इस तरह से यूज करना है और प्रो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से जिस कंडीशन में फोटो लेना चाहते हो वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करके रख सकते हो। ये भी कितना ज्यादा रखना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। किसी कंडीशन में ऐसा होता है लाइट कहीं पर बहुत कम होती है, तो आप यहाँ आके अपनी लाइटिंग को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो लाइट अगर ज्यादा है तो, यहाँ पे आईएसओ को सेट कर सकते हो। तो सभी फीचर आपके हिसाब से मिल जाएंगे, जो कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रख सकते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर मिल जाता है इस फोन के अंदर प्रो का, जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है डायरेक्टली गूगल लेंस, तो सिंपल इस पर क्लिक करके आप किसी के बारे में सर्च करना चाहते हो तो सिंपल गूगल लेंस को ओपन कीजिए। ओपन एप पर कैमरे पर क्लिक करके आप डायरेक्टली किसी की चीज के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जान सकते हो। एंड कैमरे को स्विच करने के लिए यहाँ इस आइकन पर क्लिक करके डायरेक्ट कैमरे को आप स्विच भी कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये सब सेटिंग करके इस फोन की कैमरा क्वालिटी को आप और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।